नमस्ते दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम एक नया लेसन इंग्लिश का जिसका टाइटल है द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। वर्थ यानी कीमत और फैब्रिक यानी कपड़ा, कपड़े की कीमत। थिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल सेंट पोएट। थिरुवल्लुवर नाम के एक महान संत कवि थे तमिल के, हु लिव्ड मोर देन 2000 ईयर्स एगो, और जिनका जन्म लगभग 2000 साल पहले होकर गया था, यानी 2000 साल पहले वो अपने देश में होकर गए। थिरुकुलर इज द बुक ऑफ हिज टीचिंग, और उनकी जो सीख थी यानी लोगों को उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या सिखाया, एक किताब में वो लिखा गया और उस किताब का नाम है थिरुकुलर। जैसे कि क्रिश्चियन रिलीजन की टीचिंग बाइबल में लिखी गई है, वैसे ही हिंदू की महाभारत, गीता, रामायण में और मुस्लिम की कुरान शरीफ में, ऐसे ही जो थिरुवल्लुवर संत थे उनकी जो सीख थी, लोगों को उन्होंने क्या बताया, ये थिरुकुलर नाम की बुक में लिखा हुआ है। और ये जो बुक है वो बुक आज भी उतने ही रिस्पेक्ट से और उतने ही लव से उस बुक की तरफ आज भी देखा जाता है। इट इज़ ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे। थिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल व्यूअर। थिरुवल्लुवर ये जो संत कवि थे एक टेक्सटाइल व्यूअर थे। ही वो ब्यूटिफुल फैब्रिक्स एंड साड़ीज एंड सोल्ड देम इन द मार्केट। कपड़ा बुनने वाले ये संत कवि बहुत ही सुंदर साड़ीज और कपड़े बुनते थे और उन्हें मार्केट में बेचते थे। पीपल सेड दैट ही नेवर गॉट एंग्री, और लोग उनके बारे में क्या कहते थे, ये जो थिरुवल्लुवर है इनको कभी भी गुस्सा नहीं आता। नेवर यूज्ड बैड वर्ड्स, और कभी भी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करते। नेवर शाउटेड एट एनीवन, और कभी भी किस पर भी चिल्लाते नहीं है। लोगों का ऐसा कहना था कि थिरुवल्लुवर जी के बारे में, इन द सेम टाउन, और उसी गाँव में देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन, वहाँ पे एक बहुत ही अमीर और यंग मैन रहता था। ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड, और ज़्यादातर अपना वो समय अपने दोस्तों के साथ उस गांव में घूमने में बिता देता था या वेस्ट करता था। दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे लोग थे गांव में उन लोगों को चिढ़ाना और उनकी मजाक उड़ाना, इसी बातों में ये अपना वक्त गंवा देते थे। आई डोंट बिलीव व्हाट पीपल से अबाउट दिस वल्लुवर, मुझे विश्वास नहीं कि लोग इस वल्लुवर के बारे में क्या कहते थे। लोगों का कहना था कि थिरुवल्लुवर जी को कभी भी गुस्सा नहीं आता, कभी किस पर वो शाउटेड नहीं करते और वो किसी के बारे में गलत शब्द नहीं निकालते। लेकिन ये जो अमीर व्यक्ति था वो एक ये कहता था कि मुझे विश्वास नहीं है कि पीपल इस वल्लुवर के बारे में क्या कहते, यानी लोग इस वल्लुवर के बारे में क्या कहते हैं। एक दिन उसने ऐसा कहकर बता दिया, आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उस व्यक्ति को या वल्लुवर को गुस्सा दिलाकर दूंगा, कि वो गुस्सा करेगा मुझ पर। कम ऑन लेट्स हैव सम फन टुडे, चलिए मेरे साथ आज कुछ फन करते हैं। सो द एरोगेंट मैन यंग मैन अप्रोच्ड थिरुवल्लुवर इन द मार्केट एंड पिक्ड अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक। ये जो अमीर व्यक्ति था बहुत ही एरोगेंट था। एरोगेंट के अपोजिट होता है पोलाइट। ये पोलाइट नहीं था, बिल्कुल ही पोलाइट नहीं था। और एक दिन वो मार्केट में चला गया थिरुवल्लुवर के पास और वहाँ से एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक यानी फैब्रिक का, कपड़े का एक बहुत ही सुंदर टुकड़ा उसने उठा लिया। हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, और इस पूरे कपड़े की कीमत क्या है, ऐसा उसने उसे कहा। 8 coins, the saint named the price, और जो संत थे थिरुवल्लुवर उन्होंने बता दिया कि इसकी कीमत है भाई 8 coins. द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक्स एंड टोर इट इनटू टू, वो जो यंग मैन था उस यंग मैन ने वो फैब्रिक को उठाया और उसे बीच में से काट दिया, यानी उसके दो टुकड़े बनाए, और बाद में पूछने लगा व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ, उस कपड़े को बीच में से फाड़कर उसे कहा कि अब क्या कीमत है इसकी। फॉर कॉइंस द सेंट आंसर पोलाइटली, अभी भी जो संत थे वो गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने साइलेंटली और पोलाइटली जवाब दिया कि अब इसकी कीमत है 4 coins यानी 4 coins। द यूथ वॉज टेकन अबैक, अब उस रिच यंग मैन को झटका बैठ गया। व्हाई डजंट द मैन गेट एंग्री, ये जो इंसान है ये गुस्सा क्यों नहीं हो रहा, इसलिए अब उसे ही गुस्सा आने लगा। ही थॉट ही देन टॉर द हाफ पीसेस इनटू हाफ अगेन, पहले उसने एक के दो टुकड़े किए थे, अब उसने दो के चार टुकड़े किए और बोलने लगा एंड नाउ, अब क्या कीमत है इसकी।
टू कॉइन्स वॉज द आंसर, और उस संत ने जवाब दिया कि अब इसकी कीमत है टू कॉइन्स। नाउ इट वॉज द यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंट एंड एजिटेट, अब उस अमीर इंसान की या अमीर व्यक्ति की बारी थी, अब वो एजिटेट और इम्पेशेंट होने लगा, अब वो अस्वस्थ और उतावला बन गया कि ये मेरे पर गुस्सा क्यों नहीं हो रहा। ही टोर द पीसेज इन टू हाफ अगेन एंड अगेन सेइंग एंड नाउ व्हाट इज द प्राइस नाउ, वो हर बार एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16 ऐसे उन कपड़ों को फाड़ता रहा, उन्हें टोर करता लगा रहा और हर बार पूछता रहा कि अब क्या कीमत है इस टुकड़े की, अब क्या कीमत है इस टुकड़ों की, अब क्या कीमत है इस टुकड़ों की, और उसे जवाब भी हाफ हाफ करके मिलता था। यानी टू कॉइन्स के बाद एक कॉइन्स, एक कॉइन के बाद आधा कॉइन, आधा कॉइन के बाद 1/4 कॉइन, ऐसा जवाब उसे हर बार मिलता था। फिर वो लोग काम्पली वेंट ऑन रेड्यूसिंग द प्राइस टू हाफ एवरी टाइम, एवरी टाइम वो प्राइस रेड्यूस करते थे हाफ में। एट लास्ट द फैब्रिक वॉज रेड्यूस टू रैग्स, और आखिर में वो जो फैब्रिक था, वो जो कपड़ा था, अब आखिर में वो कपड़ा न रहकर वो बन गए कुछ रैग्स, रैग्स यानी कपड़े के बहुत छोटे छोटे टुकड़े। सो थिरुवल्लुवर सेड इन क्वाइट टोन, नाउ दिस फैब्रिक हैज बिकम वर्थलेस, आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दिस रैग्स, और थिरुवल्लुवर ने उसे जवाब दिया कि अब ये जो कपड़े के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े है, ये बिल्कुल अब वर्थलेस बन गए, उसे इन्हें कुछ भी कीमत नहीं है। आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दिस रैग्स, और इस रैग्स को मैं कुछ भी कीमत नहीं दे सकता। द मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से, वो जो अमीर व्यक्ति था उसे अब सोच नहीं रहा था कि अब क्या कहा जाए। बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस, लेकिन उसे अहंकार था, उसे अभिमान था अपनी अमीरी का। सो ही ऑफर्ड टू पे 8 कॉइन्स टू द सेंट, इसलिए अहंकारी भावना से उसने उस सेंट को, उस संत को 8 कॉइन्स देने का डिसाइड किया या उन्हें ऑफर दी। फॉर द फर्स्ट टाइम थिरुवल्लुवर स्माइल्ड बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी, और पहली बार थिरुवल्लुवर मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने जो उन्हें 8 कॉइन्स की ऑफर दी थी वो उन्होंने रिफ्यूज की, यानी 8 कॉइन्स लेने से उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था? यंग मैन नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज, इट हैज बिकम वर्थलेस, व्हाई? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ, और वो संत उस अमीर व्यक्ति को कहने लगे, हे नौजवान, अब ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक अब किसी भी यूज का नहीं है, ये अब वर्थलेस बन गया है। मालूम है क्यों? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट, क्योंकि अब इसे कोई भी पहन नहीं सकता, इसे पहनने के लिए कोई भी अब कैपेबल नहीं है, क्योंकि अब ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े इसके अब बन गए हैं। डू यू नो, जो मालूम है, द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे, ये जो कपड़ा है ये एक दिन में नहीं बनता, या एक दिन में नहीं बन गया था ये कपड़ा। मेनी पीपल हैव टॉयल्ड टू मेक इट, और बहुत सारे लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की इसे बनाने के लिए। द फार्मर हु ग्रीव कॉटन इन हिज फील्ड वर्क हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू द सन एंड रेन, और जो किसान थे इसे बढ़ाने के लिए, इसे उगाने के लिए बहुत सारी मेहनत की उन्होंने अपने फार्म में, कड़ी धूप में और बारिश में। ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बोल एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग, और हर एक बोल से उन्होंने कॉटन को चुना और उसे स्पिन करने के लिए भेज दिया। देन समवन एल्स कार्डेड द कॉटन एंड स्पून इट इनटू लॉग, और किसी ने उसमें की कुछ जो बीजे थी वो बीजे अलग की, और उसमें के जो लंबे धागे थे उन लंबे धागों को अलग किया, और लंबे धागों को बनाकर वो जो थ्रेड्स थे, उसे थ्रेड्स कहा जाता है लंबे धागों को, द थ्रेड्स वेयर टाइट केयरफुली सो दैट दे टुक ऑन दिस लवली कलर्स, उन थ्रेड्स पर सुंदर कलर लगा दिए गए और उन्हें धूप में सुखा दिया गया, इसलिए कि जो वो जो कपड़ा था वो इस तरह सुंदर दिखाई दे। वी थॉट समडे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक, और हमने सोचा था कि एक आध दिन कोई आएगा हमारे पास से ये जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक बाय करेगा और इसे पहनकर वो खुश हो जाएगा।
इसे पहनकर जब कोई खुश हो जाएगा तो हमें हमारी मेहनत की प्राइज मिल जाएंगी। देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवार्डेड। हमारे वर्क का जो बख्शिश था वो हमारे मेहनत का बख्शिश हमें मिल जाएगा जब किसी को ये फैब्रिक पसंद आएगा। When you destroy the fabric, you destroy all the love and labor that went into its making. जब आपने ये जो फैब्रिक है ये फैब्रिक डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया, तो सिर्फ आपने ये कपड़ा नष्ट नहीं किया तो उन सब लोगों का प्यार और उनकी मेहनत आपने नष्ट की है। मनी cannot bring it back। और जो पैसा है वो पैसा, वो मेहनत, वो श्रम और वो प्यार नहीं खरीद सकते मेरे दोस्त। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड टच द यंग मैन्स हार्ट। नाउ ही वॉज रियली एशेम्ड टू हिमसेल्फ। और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कहे गए शब्द, बिल्कुल मृदु शब्द से उस संत ने जवाब दिया। और वो जो मृदु शब्द थे, मृदु शब्द उस इंसान के या उस व्यक्ति को के हृदय को टच कर गए। Now he was really ashamed of himself. अब उसे खुद की शर्म आने लगी। And do you know, Thiruvalluvar went to say. और Thiruvalluvar आगे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है? I can weave another fabric like this, but our life is also like this fabric. क्या तुम्हें मालूम है कि मैं इस तरह का दूसरा भी फैब्रिक या कपड़ा बुन सकता हूँ, बना सकता हूँ। बट और लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक। लेकिन अपना जो जीवन है, अपना जीवन भी इस फैब्रिक के जैसा ही है। इफ़ यू टीयर इट अपार्ट विथ हेस्टी, अगर आप उसे फाड़ेंगे हेस्टी से या बिना सोचे समझे आप उसे वेस्ट करेंगे, थॉटलेसली एक्शन, आपके जीवन जीते समय आपकी एक्शन अगर थॉटलेस हो, बिना सोचे समझे आप अगर कुछ कार्य करते रहोगे अपने ज़िंदगी में, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो अपना जीवन भी नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन। मैं तो अपना जो कापड़ है वो और भी बुन सकता हूँ, और भी बना सकता हूँ, लेकिन अपनी जो लाइफ है वो लाइफ हमें दोबारा नहीं मिल सकती। थिरुवल्लुवर्स वर्ड ओपेंड द यंग मैन्स आईज। और थिरुवल्लुवर के ये जो वर्ड्स थे कि अपना जीवन भी एक फैब्रिक के सरी का है लेकिन अपना जीवन हमें दोबारा नहीं मिल सकता है, जो वर्ड्स थे ये वर्ड्स उस अमीर व्यक्ति के हृदय को टच कर गए, उसकी आंखें खुल गई। देयर एंड देन ही डिसाइडेड गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट्स। और उसी समय उसी जगह पे उसने डिसाइड कर दिया कि मैं आज से मेरी जो सभी बुरी आदतें हैं वो सभी बुरी आदतें आज से छोड़ दूंगा, और मैं जो आइडल हूँ, आइडल यानी कामचोर, मैं जो कामचोर बन गया हूँ ये भी मैं छोड़ दूंगा, और मैं भी आज से बहुत परिश्रम करूंगा, और मेरी जो बैड हैबिट्स है वो सब बैड हैबिट्स मैं आज से छोड़ दूंगा, ऐसा उसने डिसाइड किया।